डॉक्टर साहब बड़े डेंजरस हैं क्या? बोलते ही नहीं। आए भाई साहब यहाँ दवा कराने आए हैं। और आप भाई साहब, आप दवा कराने आए हैं यहाँ? हम यहाँ के कंपाउंडर हैं। हम यहाँ के कंपाउंडर हैं। लेकिन शकल से तो मरीज लग रहे हैं। शकल से तो आप भी गधे लग रहे हैं, तो क्या आप गधे हैं? आप गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या? जो बोलता है वही होता है। मतलब हम गधे हैं? हैं? हम गधे हैं? और क्या? देखो ऐसा है, क्लिनिक में आओ, कायदम बैठ लियो, उठाक बाहर नाली में फेंक देंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। आप भड़क कह रहे हैं, हमने तो इसलिए आपको मरीज बोला था भाई कि ये आप मरीजों की जगह पे बैठे हैं, हैं? अगर आप कंपाउंडर हैं तो बैठे कहाँ हैं? बैठने की थोड़ी सैलरी मिलती है कि नहीं भाई साहब? हैं? तो क्या? नहीं नहीं तो क्या, मरीज के बैठने की जगह तो क्या हम नहीं बैठ सकते यहाँ? अरे तुम हमारी बात छोड़ो, इधर बगल में डॉक्टर बैठे, उनको नहीं देख रहे हो? हम ही मिले तुमको लबराने के लिए। बात करते हैं, ऐसा है हमारा ज्यादा दिमाग ना चाटो, हमारे पास इतना दिमाग नहीं, चाट चाट के तुम बराबर करोगे और हम करने देंगे। उनके पास ज्यादा दिमाग, उनका दिमाग चाट लो जाके। नहीं बता दिया। अरे आप डॉक्टर हैं? हाँ हैं, हम डॉक्टर हैं, हम हैं डॉक्टर, लेकिन हमसे इस तरह से बात नहीं करोगे जिस तरह अभी बात हो रही थी। हमारा कोई दिमाग नहीं चाटेगा, बता दे रहे हैं। मेरा दिमाग इतनी तेज गर्म है, इतनी तेज गर्म है कि अगर आपने दिमाग चाटने की कोशिश की आप लोगों ने, सबकी एक एक करके सबकी जीभ जलेगी, सबकी। बताया तुमने जितनी नौटंकी करनी है सब आपस में कर लो, हमारे साथ कोई नहीं करेगा। तो यहाँ काहे बैठे हैं आप? अंदर जाइए। तो लोग अंदर किसको दिखाने चले गए? अरे यार हम बगल वाले क्लिनिक के डॉक्टर हैं यार, दिमाग ना खराब करो यार हमारा। तो यहाँ काहे बैठे हैं आप? ऐसा है, हमारा कंपाउंडर आज बहुत लेट आया और चाबी लेके आया नहीं, जो कि मेरी क्लिनिक की है। मेरी क्लिनिक की चाबी उस कंपाउंडर के पास है घर में, वो लेने गया है, अब तक आया नहीं है। फोन मिला रहे हैं, 10 बार मिला चुके, बिजी है, खुद कभी बिजी रहता नहीं, फोन हमेशा बिजी। हमारी क्लिनिक 7 बजे खुल जाती है, आज अभी 10 बज रहा है, बाबूजी आए नहीं हैं, चाबी लाए नहीं है, गेट खुला नहीं, आधे पेशेंट हमारे रोड पे बैठे हैं, आधे गेट पे बैठे हैं, कुछ चढ़े हैं ऊपर पेड़ पे। बात करते हो, हम यहाँ बैठे सड़ रहे हैं बिल्कुल, ना एसी है ना पंखा है, बस केवल बत्ती बत्ती जल रही, ऊपर से तुम लोग चाट रहे हो मेरा दिमाग, हमसे कोई बात नहीं करेगा, बताए दे रहे हैं। अभी यार ध्यान से देखो जरा, डॉक्टर साहब की शक्ल बंदा जैसी लगती है ना। क्या कहा आपने? अरे हम इनसे कह रहे थे कि आपकी शक्ल बंदा जैसी लगती है। मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? हाँ भाई साहब आप बताइए, मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? दिखाइए भाई साहब, दिखाइए, इधर दिखाइए। ओह माय गॉड, आपकी शक्ल तो पूरी बंदर लगती, टू कॉपी। ओहो, अरे हटो यार, आप बताइए मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? नहीं तो कौन कह रहा आपकी शक्ल बंदर जैसी लगती, बिल्कुल भी आपकी शक्ल बंदर जैसी नहीं लगती। आप धन्यवाद धन्यवाद, आप बताइए मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? बोलिए, अरे बोलिए ना, क्या क्या हो गया, क्या हो गया, बोलिए ना, सस्पेंस में क्यों है? आप बताइए, अच्छा आप बताइए मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? सही बताएं तो हम जब यहाँ आए थे तो हमको लगा था कोई पालतू बंदर कपड़े पहनकर बैठा हुआ है, और हम उतनी देर से डर रहे थे कि ये बंदर हमको काट ना ले, और अब पता चला है कि आप डॉक्टर हैं। आपकी शक्ल बंदर से नहीं मिलती, बंदर की शक्ल आपसे मिलती है। धन्यवाद। आप भी बता दीजिए कंपाउंडर भाई साहब कि इनकी शक्ल बंदर जैसी लगती कि नहीं? ऐसा है, उठा नाली में फेंक देंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, हमसे कायदे में रहना। अरे हम पूछ ही तो रहे, चलो अच्छा ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब सिद्ध हो गया कि सब लोग कह रहे हैं कि आपकी शक्ल बंदर से मिलती है, बस एक ही भाई साहब ने नहीं कहा। भाई साहब आपने बंदर नहीं देखा क्या? आप क्यों कह रहे हैं इनकी शक्ल बंदर जिससे नहीं लगती?
देखिए बात ये है कि हम ये कह रहे थे उस वक्त कि इनकी शक्ल बंदर से नहीं मिलती है, इनकी शक्ल काले मुंह वाले बंदर से मिलती है। बंदर की भी प्रजातियां होती हैं ना, एक बंदर होता है काले मुंह वाला, बिल्कुल उस पे गए हैं, हमारे गांव में पला है तो हम जानते हैं, वही हम कह रहे थे, ये बीच में टोक दिए, थैंक यू कहने लगे तो चले गए और हम बोल ही नहीं पाए, अब हम बोले। डॉक्टर साहब सदमे में चले गए का? इनकी शक्ल बंदर से। अरे हाँ हाँ, हमारे गांव में पला है ऐसा बंदर, पड़ा है। चलो चलो आगे बढ़ो, गर्मी लग रही। ए गेट पे काय खड़े हो महाराज? अरे लेकिन इनकी शक्ल बंदर से मिल रही ना। हाँ, मिलती है मेरी शक्ल बंदर से, तो क्या एक काम करो, एक डमरू ले और मेरे सर पे आके बजाओ और हम नाचेंगे, बन जाना तुम मदारी, खुश हो जाओगे उसमें। लेकिन डमरू मिलेगा कहाँ है? अरे हट यार भाई ऐसे। अरे अगला नंबर भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, हम यहाँ समाधि बनाने आए हैं क्या? अरे अगला नंबर कहूँ ना अगला नंबर, जाओ तुरंत उठा फेंक देंगे नाली में। हम हैं अगले नंबर। अरे तो जाओ ना। वो क्या है कि इतनी कॉमेडी हो रही यहाँ तो मन नहीं कर रहा जाने का। ऐसा है? अरे हाँ जा रहे हैं। अरे यार मर जाओ यहीं पे, गिर जाओ, फोड़ लो खोपड़ी अपनी, बाद में हमारा नाम लगा देना, हमने फोड़ दी खोपड़ी। बता दे रहे एक एक को नाली में फेंक के आएंगे, सब तैरते रहे ना वहीं पे। जा रहे हैं, जरा जरा सी बात पे नाली में फेंकने लगते हैं। उधर किसक तमीज से बात करिए जरा। अरे तमीज के तेल लेने, उधर किसक जाओ नहीं तो मार मार चटक गाल लाल कर देंगे। उधर जगह पड़ी तो है, उधर बैठिए ना। उधर कहाँ बैठ जाए, उनकी गोदी में बैठ जाए कि जमीन में बैठ जाए? अरे उधर जगह हम बता दे रहे, हम यहीं बैठेंगे, हटो यहाँ से, चलो हटो यहाँ से, हम यहीं बैठेंगे। ऐसा है, तुम चाहे गोदी में बैठो चाहे जमीन बैठो चाहे नाली में पैर लटका के बैठो जाके, लेकिन यहाँ चिल्ला चिल्ली नहीं होगी, फेंक देंगे उठा के नाली में, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या बोला तूने? नाली बेटा, पिछली बार के 2 घंटा भूल गए हैं? भूल गए हम यहाँ के दादा हैं, समझे? हमसे नाली नाला वाली बात ना करना, नहीं तो रोड से उठवा लिए जाओगे। क्या है हम यहाँ के दादा? दादा नमस्ते। दादा प्रणाम। दादा पैर छुई। तुम्हारी आवाज हम बहुत अच्छे जानते हैं, पहले बताओ यहाँ किसकी शक्ल बंदर से मिलती है? इनके मुंह पे बोलोगे तुम लोग हैं? वो तो आपकी भी शक्ल गधे से मिलती है, इनकी भी शक्ल तो जहरीले नाक से मिलती है, और तो और हमारी भी शक्ल किसी जानवर से मिलती होगी, मुंह पे कहोगे तुम लोग? उल्लू। क्या? आपकी शक्ल उल्लू से मिलती है। क्या है कि हमारे गांव में पला है तो हम जानते हैं। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में बहुत जानवर पल रहे हैं आजकल, क्या बात? सुनो बुढ़ो, टेम्पो सहित उठवा लिए जाओगे, पता नहीं चलेगा। हम सब सुन रहे थे यहाँ कितनी बदतमीजी हो रही थी, हम वहां टॉयलेट कर रहे थे, सब सुनाई पड़ रहा था, एक एक बात सुनी हमने, खड़े खड़े वहीं रोना आ गया हमको। मतलब किसी एक आदमी की इतनी ज्यादा बेइज्जती। तुम्हारी बड़ी खिल्ली छूट रही, क्या बात बोलो? आपकी पैंट फटी है पीछे। हाँ तो क्या अंदर जान गया तो पहने नहीं पहने हैं? Oh my God, देखी हट।
आप यहाँ बैठ जाइए, दिखेगा नहीं किसी को। चलो डॉक्टर साहब, आपकी चाबी आ गई। इतनी देर कहाँ लगी है? हम पूछ रहे इतनी देर कहाँ लगी। अरे कुछ नहीं हुआ, ये कि जो है हम पूरे घर में चाबी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। पूरा घर हमने छान छान के रख दिया, पूरी अपनी सामान उठा के रोड पे फेंक दी, लेकिन आपकी चाबी मिली नहीं। बाम पता चला कि जो है आपकी जो चाबी थी वो हमारी छुटकी बिटेवा अपने बॉक्स में भर के स्कूल लेके चली गई। और एक ही छुट्टी हुई 11:30 बजे, लेकिन अभी 1 बज रहा है। अरे हाँ हाँ, लेकिन पूरी बात तो सुनो, पहले बीच में डंडा घुसेड़ने लगते हैं, रुको तो पहले थोड़ी देर। हाँ भाई साहब फिर? हाँ तो देखो, सही बात बताएं तो जब हम आ रहे थे तो चाबी से कैच कैच खेलते हुए आ रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि हम कैच पकड़ नहीं पाए, चाबी नाली में गिर गई। नाली? हाँ नाली में। जानते हैं आपका नाली से बहुत गहरा नाता है, लेकिन थोड़ी देर। हाँ तो फिर हम जो है उठाए नाली से, फिर उठाए गंदे हाथ किए, फिर नहाने धोने के लिए फिर घर चले गए। और जब घर चले गए तो फिर नहाया धोया और फिर खाना खाया और सो गए वहीं पे। वहीं लग गई देर। लेकिन आप इतना सदमे में काय हो? बताते हैं, रुको बताते हैं। चाबी नहीं, चाबी नहीं।